नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप यूपीएससी की एग्जाम लिखने जाए तो आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है। ये चीजें बहुत कम लोगों को पता होती है जो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। उसी के साथ साथ आपको एंड में ये भी बताऊंगा कि वही गलतियों को कैसे सुधारे या उन चीजों को कैसे सही तरीके से आप कर सकते हो एग्जाम के टाइम, मेन्स की एग्जाम लिखते वक्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जनरल मिस्टेक्स इन कन्वेंशनल डिस्क्रिप्टिव पेपर। यानी ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लोग यूपीएससी मेन्स देते हैं, यूपीएससी मेन्स देते वक्त आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, ये याद रखेगा। यूपीएससी मेंस का जो पेपर होता है वो आप जानते हैं डिस्क्रिप्टिव होता है, और डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखते वक्त आपको गलतियां नहीं करनी है। ये जो मैंने पीडीएफ लिया है आज के वीडियो के लिए, ये मैंने upsc.gov.in इसी साइट से लिया है जो कि एक गवर्नमेंट का ही साइट है, यानी यूपीएससी की खुद साइट है। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी भी प्रोसेस क्या है मैं आपको वीडियो के एंड में पूरा समझा दूंगा। पहले तो हम समझ लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए तो पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए पॉइंट नंबर 1, इररिलेवेंट मैटर्स रिटन इन क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट में, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ये जो बुकलेट होती है जिसमें आपको आंसर लिखना होता है उसमें क्वेश्चंस भी प्रिंटेड होते हैं, इसीलिए इसको क्वेश्चन कम आंसर यानी दोनों की भी बुकलेट कहा जाता है। यूपीएससी के पेपर में आंसर शीट में क्वेश्चन आंसर दोनों दिए होते हैं। इसमें सबसे पहले इररिलेवेंट मैटर आपको लिखना नहीं है। कैसे इररिलेवेंट मैटर होते हैं, जैसे ये 786, ठीक है, जानते हैं कि ये नंबर जो है ये किसी रिलीजन से रिलेटेड या फिर बहुत पवित्र माना जाता है कुछ रिलीजन में, बट आंसर शीट पे ये सब लिखना आपको अलाउड नहीं है। तो ये पहली गलती आपको नहीं करनी है। उसके बाद देखिए जो दूसरी गलती बताई है वो, जैसे कि फर्स्ट मैंने बताया एक रिलीजन से रिलेटेड सिंबल था, ये भी किसी रिलीजन से रिलेटेड सिंबल है, ये आपको यहां पे नहीं बनाना है। अगला एक और रिलीजन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ लिखा गया मैटर, जैसे कि हरे राम हरे कृष्ण ये लिखा गया है, ऐसा आपको कुछ भी पेपर के स्टार्टिंग में नहीं लिखना है। मैं जानता हूं कि हमारे इंडिया में रिलीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और हमारे रिलीजन से हम या फिर हमारे भगवान के ही नाम से हम किसी भी चीज की शुरुआत करना शुभ मानते हैं और ऐसा समझते हैं कि अगर हम वैसा करें तो हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से होगा। बट यूपीएससी कहेगा कि आपके मन में ही रखो, आपकी जो भी श्रद्धा है वो यहाँ पे आपको लिखना वो सब अलाउड नहीं है। उसी के साथ साथ अगली एक और आप यहाँ पे मिस्टेक देख रहे हैं, इस कोने में लिखा है, अब बीच में दिख रहा है विजिबल है तो आप कोने में छोटा सा लिख दो, ये भी नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो भी यहाँ पे ये एक्सेप्टेड नहीं है आपकी आंसर बुकलेट, ये एक और चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद यही एक सिंबल है ओम का जो कि बीच में लिखा गया है, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके अलावा श्री गणेशाय नमः यहाँ लिखा गया है, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी आप ओवरऑल पहले जो देखा आपने, पहला जो एग्जाम्पल से लेके इस सिक्स्थ एग्जाम्पल तक, उसमें आपने एक चीज कॉमन देखी कि ये सभी चीजें रिलीजन से रिलेटेड है। यानी पहली गलती आपको जो नहीं करनी है वो ये है कि आपको रिलीजन से रिलेटेड कुछ सिंबल या कुछ चीजें स्टार्टिंग में लिखना नहीं है, और आपको बता दो स्टार्टिंग में ही नहीं तो पूरे बुकलेट में कहीं भी नहीं लिखना है, ये याद रखते हुए चलना है। चलिए आगे यूपीएससी क्या कह रहा है, एक और एग्जांपल रिलेवेंट मैटर का। सिक्स एग्जांपल तो तक तो आपने रिलीजन से रिलेटेड देखा, अब आप आगे जब जाते हैं एग्जाम्पल नंबर सेवेंथ में तो आप देख रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पे 10, 45, 60, 85 ऐसा इस मार्जिन में लिख रहे हैं। इस मार्जिन में आपको ये सब नहीं लिखना है, इस मार्जिन में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ये पहली बात याद रखिएगा। ये क्या लिखा है इस पर्सन ने, ये लिखे वर्ड लिमिट कि यहां तक मेरे 10 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं, यहां तक मेरे 45 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं, यहां तक 60 वर्ड्स, यहां तक 85 वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स कितने उसने कंप्लीट किया ये आपको गिन के वहां गिनती नहीं लिखना है। ठीक है, जो भी करना है माइंड में रखिए कितना हो रहा है, ये आपको समझते हुए चलना है। तो यहां कुछ आपको नहीं लिखना है इस मार्जिन में। आगे आप आएंगे तो एग्जाम्पल 8, उसने कितना टाइम लिया कौन से चीज को वो लिख रहा है कि मैंने 10 बजे यहां से लिखना शुरू किया था, उसके बाद वो लिख रहा है कि 10:25 तक मैं यहां तक का आंसर लिख चुका हूं, ये आपको लिखने की यहां जरूरत नहीं है, ये लिखने से आपकी आंसर शीट जो है ये एक्सेप्ट नहीं होगी। तो टाइम लिखना, वर्ड लिमिट लिखना, अब यहां लिखना कोशिश किया, अब उसने ये यहां तक तो पढ़ लिया कि भाई यहां पे मैं नहीं लिख सकता, इतना ही वो पढ़ के एग्जाम देने चलेगा, उसको पता ही नहीं कि वो यहाँ भी नहीं लिख सकता, यहाँ तो लिखा ही है कि कैंडिडेट मस्ट नॉट राइट ऑन दिस मार्जिन, उसने ये पढ़ा ही नहीं और उसने यहाँ लिखना शुरू कर दिया। अब वो यहाँ 10 बजे शुरू किया, 10:25 को खत्म किया, वो लिख रहा है, ये भी अलाउड नहीं है आपको। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। पहला ये था कि इररिलेवेंट मैटर्स आपको नहीं लिखना है। दूसरा ये है कि कैंडिडेट शुड नॉट राइट एनीथिंग एनीवेयर इन क्वेश्चन कम आंसर बुक विच डिस्क्लोज और मे डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटी। आपको अपने आंसर शीट में कोई भी ऐसी चीज नहीं लिखनी है जो आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करता है, यानी वो एक एग्जामिनर या फिर वैल्यूअर को ये बताता है कि आप कौन हो। एग्जाम्पल 1, किसी ने तो अभी अपना नाम लिखा है ताकि पता बता सके वो कि मैं कौन हूँ पेपर लिखने वाला।
ठीक है, किसी ने अपना रोल नंबर लिख दिया है 0 1 2 1 2 3 0 1 2 3, जो भी रोल नंबर है, यहाँ रोल नंबर लिखना अलाउड नहीं है, याद रखिएगा। रोल नंबर से भी पता चल सकता है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। यूपीएससी किसी भी तरह से आपको सेटिंग करने की जो परमिशन है वो नहीं देता है इन्विजिलेटर के साथ या फिर वैल्यूअर के साथ या फिर जो भी आपकी आंसर कॉपी वैल्यूएट कर रहा है उसके साथ, इसलिए आपकी आइडेंटिटी आपको छुपाना होगा, ये आप नहीं लिख सकते। अगला है, आपने लिख तो दिया, अब आपने उसको काट दिया क्योंकि आपको पता नहीं था, इन्विजिलेटर है, उसने बोला कि ये अलाउड नहीं है, तो आपने बोला ठीक है मैं काट देता हूँ, काटने के बाद फिर भी विजिबल है, यानी इट इज स्टिल विजिबल, रोल नंबर काटने का स्टिल विजिबल, इसको ऐसा कट करना पड़ेगा जो विजिबल ना हो। उसके लिए आपको इन्विजिलेटर को पूछना पड़ेगा सही तरीका क्या है, ये सब नहीं चलेगा यहाँ, उससे अच्छा आप ऐसे काम ही मत करो, यही आपको दिमाग में रखना है। आगे की बात, ये विजिबल है, नाम लिखा था वो काट दिया, वो भी विजिबल है, काटना है तो ऐसे काटना पड़ेगा कि विजिबल ना हो, बट ऐसा कटना मुश्किल है, उससे अच्छा लिखो ही मत भाई। ये हो गया एक एग्जांपल। उसके अलावा पांचवा एग्जांपल, यहाँ लिखा है कि सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनर, और यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट शुड नॉट राइट हिज नेम रोल नंबर और सिग्नेचर एनीवेयर इन क्वेश्चन का आंसर बुक, यहाँ पे आपको अपना नाम नहीं लिखना है, नाम कहीं भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि आपको अपना कहीं भी नहीं लिखना, ये ऑफिशियल काम है, वो लोग करेंगे, आपको ये करना नहीं कि आप खुद ही अपनी बुक एग्जामिन करने वाले हो, आंसर कॉपी जो आप अपनी सिग्नेचर यहाँ दे रहे हो, जो करेगा चेक वो लिखेगा अपनी सिग्नेचर, आप क्यों यहाँ पे अपनी सिग्नेचर दे रहे हो कि मैं मेरी कॉपी खुद ही एग्जामिन कर लेता हूँ भैया, मैं ही हूँ एग्जामिनर मेरे कॉपी का, दिस इज रॉन्ग। और ये करने पर आपकी आंसर बुक जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी, एग्जामिनर साइन करेगा, आप नहीं, आप कैंडिडेट हो, ठीक है, वो एग्जामिनर है जो आपकी कॉपी चेक कर रहा वो है, ये अलाउड नहीं है, यहाँ लिखना। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6, अब आपको आया है कोई तो भी ऐसे कोई तो भी रिपोर्ट लिखने और आपने वहां पे लिख दिया टू द एडिटर इन चीफ हिंदुस्तान टाइम्स स्टेट मुंबई, ये वो सब एड्रेस डाल दिया, आपने वहां पे लिख दिया जो भी डेटा था वो रिपेयर वर्क से रिलेटेड, और आखिरी में यू आर सिंसियरली जो लिखते लेटर में वहां खुद का नाम लिख दिया और डिस्क्लोज हो गया कि आप ही वो व्यक्ति लेटर्स अंदर लिखा हुआ, दिस इज रॉन्ग। तो यहाँ भी आपको अपना नाम लिखना अलाउड नहीं है। इतना ही नहीं तो ये एक और एग्जांपल है, आपने फिर से ऐसे लिया, यहाँ पे लेटर लिखा है, लेटर लिखने के बाद आप एंड में आते हो और आपने नाम तो नहीं लिखा भाई अपना, बट आपने खुद का एड्रेस लिख दिया, हो सकता है कि वो व्यक्ति के साथ आप कांटेक्ट बनाना चाह रहे हो जो आपका आंसर शीट चेक करने वाला है, इसलिए आप यहाँ अपना एड्रेस डाल दो। कभी भी कोई लेटर लिखिए आंसर में या कोई रिपोर्ट लिखिए, कुछ भी लिखिए, आपका नाम या आपका एड्रेस आप आंसर बुक में कहीं भी नहीं लिख सकते, ये याद रखना है आपको, कहीं भी नहीं, ठीक है। एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन पुट देयर, दिस इज द मिस्टेक। उसके बाद आगे चलते हैं, आंसरिंग इन मिक्स्ड लैंग्वेज मीडियम, आप एक मीडियम चूज करते हो कि भाई मैं इंग्लिश में पेपर लिखने वाला या फिर मैं हिंदी में लिखने वाला या मराठी में लिखने वाला या कोई भी लैंग्वेज में लिखने वाला हो जो 8 शेड्यूल की है। अब इसने क्या किया भाई साहब ने, उसको इंग्लिश याद नहीं आ रही होगी टाइम पे, तो भाई साहब ने हिंदी यूज कर लिया कि मेरे को इंग्लिश में फ्रेम नहीं करता आ रहा, तो उसने हिंदी में लिख दिया, यानी यहाँ पे लिख रहा है अब्रप्ट एंडिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दांडी मार्च देश के इतिहास को पलटने वाली एक अस्वर्णीय घटना है, ऐसा उसने लिख दिया, यानी इंग्लिश नहीं जमी तो भाई साहब ने हिंदी यूज कर दी, मिक्स लैंग्वेज नहीं चलती है, ये याद रखना है। उसके अलावा आंसरिंग पार्टली इंक एंड पार्टली पेंसिल, आधा पेन से लिखना आधा पेंसिल से लिखना आंसर्स, ये अलाउड नहीं है। इवन दो कलर के भी आप पेन यूज नहीं कर सकते और थोड़ा पेंसिल और थोड़ा पेन भी यूज नहीं कर सकते, एक तो लिखना है तो पूरा पेन से लिखिए और पेंसिल से लिखिए आप, ये मैं नहीं बोलूंगा, पेंसिल से लिखना अलाउड नहीं है पेपर में, ठीक है, तो पेन से आपको लिखना है। ओके, और अगला डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अपील टू द एग्जामिनर, अब क्या है कि आपको डर है मैं पास होऊंगा कि नहीं, तो उस व्यक्ति ने क्या कर लिया जिसको डर है, एग्जामिनर को अपील कर दी कि भैया मुझे प्लीज पास कर देना, मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, मेरे पास और अटेम्प्ट नहीं बचे, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर वाले को संभालने वाला कोई नहीं, ऐसी अपील जैसा मैडम और सर प्लीज दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट, प्लीज एग्जामिन दिस लीनियंटली, बहुत आराम से सर चेक कीजिए, थोड़ा सा कंसेशन दीजिए चेक करते क्योंकि मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, नॉट अलाउड। आगे, सर मैडम यह मेरा अंतिम प्रयास है, कृपया सहानुभूतिपूर्वक इसकी जांच करें, एकदम गलत, अलाउड नहीं है अपील करना। एग्जाम्पल टू, आई बेग यू टू कंसिडर आंसर सिंपैथेटिकली, मुझे सिंपैथी के साथ मेरे आंसर्स को ना आप करेक्ट कीजिए, कंसिडर कीजिए, सर प्लीज मैं आपसे भीख मांगता हूँ, आई बेग यू, ऐसी चीजें अलाउड नहीं है। सर मैडम मैं आपसे विनती करता हूँ कि उत्तरों की जाँच सहानुभूतिपूर्वक कीजिए, ये है, ये भी अलाउड नहीं है। बैड और इलीगल हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग अच्छी वो होती है जो समझ में आए, आप कितनी भी सुंदर हैंडराइटिंग कितनी भी ब्यूटीफुल लिखिए, बट राइटिंग एक्चुअली वो होती है जो एक्चुअली समझ में आए, तो बैड और इलीगल राइटिंग ये होती है जो समझ ही नहीं रही, इसमें इसने लिखा क्या ये समझ ही नहीं रहा, इस तरह की राइटिंग में अगर आप लिखोगे तो ये कंसिडर नहीं होगा, जीरो, ये राइटिंग कंसिडरेबल नहीं है, ये याद रखना है, समझने वाली राइटिंग लिखिए। उसके अलावा कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी इंस्ट्रक्शंस, यानी आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया आपको उसका आंसर नहीं आ रहा था, आपको पहले ही बता दूं कि आंसर शीट में क्वेश्चन प्रिंटेड होते हैं, उसके बाद जगह छोड़ी होती है, फिर आपको उसका आंसर लिखना होता है, यहाँ क्वेश्चन लिखा था जो आपको उसका आंसर नहीं आ रहा था, तो आपने क्या किया, उन्होंने पूछा और क्वेश्चन काट दिया और खुद के मन से क्वेश्चन बना दिया और उसका आंसर लिख दिया कि भाई देखो मुझे ये नहीं आता बट मेरे मन का जो क्वेश्चन है मैंने दूसरा कुछ पढ़ा है, सर देखो मुझे परफेक्ट आता, मुझे प्लीज मार्क दे दो ना, उन्होंने पूछे आंसर का ही आंसर देना है, ये भी किया है। या फिर पिछला जो क्वेश्चन था 4C, वो क्वेश्चन को यहाँ लिख रहा है,
4D को काट के, क्योंकि शायद उसको वहां जगह नहीं मिली होगी या फिर उसने कुछ गलती कर दी होगी, वहां काट के यहाँ क्वेश्चन लिख के उसका आंसर लिख रहा है। ये भी दूसरी एक चीज है जो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेज हैज बीन स्ट्रक आउट एंड प्रीवियस क्वेश्चन एंड आंसर इज रिटन बिलो इट, ठीक है। तो यही है कि फालतू का पिछला क्वेश्चन यहाँ लाके लिखना ये अलाउड नहीं है, खुद के मन से क्वेश्चन बना के लिखना ये भी अलाउड नहीं है। चलो उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल टू। बढ़िया पेपर गया, टाइम बचा है, टाइम पास क्या करूं, तो डिजाइन बना लेता हूं। बैठे बैठे आंसर शीट पे डिजाइन बना दी, दिखाने को टैलेंट कि मैं कितना अच्छा आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट अच्छा हो तो थोड़े मार्क्स मिल जाएंगे। गलत, गए आपके मार्क्स, खत्म। ये भी याद रखना है, ऐसे कुछ स्केचेस नहीं बनाने, अपने अलग टैलेंट नहीं दिखाने। वो लोग आर्टिस्ट को चूज नहीं कर रहे, वो लोग चूज कर रहे हैं एक सिविल सर्वेंट को। तो याद रखिए आप किसकी एग्जाम दे रहे, एलिमेंट्री एग्जाम थोड़ी ना है ड्राइंग की, यहाँ पे ड्राइंग बना के रखती है, अलाउड नहीं है। बट याद रखिए रिलेवेंट फिगर्स आप बना सकते हो, डायग्राम्स बना सकते हो आंसर में, साइड में जो भी काम के है, ऐसे फालतू के नहीं बनाना ये दो तीन, ठीक है। ना ये मार्जिन में, ना बीच में, ना ये मार्जिन में, ये सब नहीं करना है। एग्जाम्पल थ्री, रफ के लिए जगह दी थी तो बोले रफ में जाके बना लेता हूँ। रफ का काम क्या है, एक भी रफ का काम तो आया नहीं, खाली छोड़ने से अच्छा कुछ तो भी कर देता हूँ। गलत है, पेज खाली छोड़ दो, कुछ मत करो, भले ही कुछ मत करो, खाली रहने दो, बट ऐसे फालतू काम करके मत आओ जिससे आपका पेपर ही रिजेक्ट हो जाए, ये ठीक है। उसके बाद अब ये जो हमने देखी है गलतियां थी जो आपको नहीं करनी है, अब देखते हैं इन चीजों को करेक्टली कैसे किया जाता है। देखो करेक्टली फिल्ड अप, पहले क्या होगा, क्या करना है आपको, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2022 किस भाषा में लिख रहे हो, भाषा, रोल नंबर यहाँ लिखिए, ऊपर नहीं, ये है सही तरीका, ठीक है। उसके बाद दूसरा, अगर आपकी कुछ गलती हो गई लिखने में तो ऐसे दो लाइंस खींचिए और बीच में कैंसल्ड लिखिए, दो लाइंस खींच के कैंसल्ड लिखना है, ये याद रखिए। उसके बाद ये जो भी चीजें है, जैसे मैंने बताया अब यहाँ पे इतना उन्होंने तो आपको दिया है, बट उसके बाद आपको एक चीज याद रखनी है जो आपको बता देता हूँ, अगर आप कोई पेज को ब्लैंक भी छोड़ रहे हैं तो उसको भी आप कट करके बीच में कैंसल लिखिएगा, ठीक है। ये भी याद रखिए, ये भी एक बहुत बेहतरीन तरीका है। तो ये पूरे तरीके यूपीएससी ने आपको बताया है कि क्या किस तरह से करना चाहिए, और जैसे मैंने बताया मैं आपको बताऊंगा ये पीडीएफ मैंने कहां से डाउनलोड किया। तो चलिए देखते हैं हमने ये पीडीएफ जो लिया है ये कहां से लिया है। तो सबसे पहले आपको upsc.gov.in के साइट पे आना है, अपने मोबाइल में गूगल सर्च में जाके upsc.gov.in लिखना है। इस साइट पे आएंगे आप तो आपको देखने मिलेगा एक सेक्शन, ठीक है। तो ये जैसे ये साइट आपको इस तरह से दिखेगी, जैसे आप इस साइट में आएंगे, यहाँ आने के बाद आपको एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में जाना है। एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में जाने के बाद कॉमन मिस्टेक्स कमिटेड बाय कैंडिडेट्स यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और जब मैंने बताया वो चीजें अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप्स, कंप्यूटर में सेव रख सकते हो और हमेशा उसको याद रख सकते हो जब भी पेपर देने जाओ। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है, आपको ये हमेशा दिमाग में रखना है। अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एकदम इजी तरीके से, विद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, हर चीज कंसेप्ट टू कंसेप्ट इजी एकदम वे में समझना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं श्रेयस बढ़िए, फाउंडर एंड डायरेक्टर श्रेयस आईएएस एकेडमी, सो श्रेयस आईएएस एकेडमी आप सर्च कर सकते हैं, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरा कांटेक्ट नंबर है 8857835611। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और आपको फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी किसी भी कोर्स से रिलेटेड जो आप चाहते हैं। तो इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से करते रहिए, आपसे मिलूंगा मैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, जय हिंद।